स्वागत करता हूँ। दशहरे के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं गंगा दशहरे के बारे, और पूरी जानकारी हम रुपेश कुमार शास्त्री जी से लेते हैं। शास्त्री जी, आप हमें इस दिन के बारे विस्तार से बताएं। दादी जय माँ लक्ष्मी, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की इस दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भागीरथ जी ने भगवान शिव की तपस्या करके, माँ गंगा की तपस्या करके, उनसे वरदान स्वरूप में अपने समस्त पितरों की यानी कि सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष के लिए, उनकी गति के लिए उन्होंने माँ भगवती गंगा की तपस्या की हुई थी। माँ गंगा जब प्रसन्न हुई तो भागीरथ जी से उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तो भागीरथ जी कहते हैं कि हे माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पृथ्वी पर चलें और हमारे समस्त पूर्वजों का उद्धार करें। माँ गंगा ने कहा कि पुत्र, गंगा पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरा भार वहन कर सके, इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान शिव की तपस्या करो, शिव जी ही तुम्हें कोई इसका रास्ता उपाय बता सकते हैं। भागीरथ जी ने घनघोर तपस्या भगवान शिव की किया, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनसे आशीर्वाद में पूछा कि हे भागीरथ, तुम्हें क्या चाहिए? तो भागीरथ जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने समस्त पितरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो मैंने माँ भगवती गंगा की आराधना तपस्या की है, माँ प्रसन्न हुई है, इसलिए हे प्रभु, माँ गंगा को धारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हे भगवान, आप ही कृपा करो। तो भगवान शिव जी ने भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जरूर ऐसा होगा। माँ गंगा जब भगवान श्री हरि, वैसे तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करती हैं, परंतु वहाँ से जब कमंडल से निकलती हैं तो भगवान श्री हरि के चरण को स्पर्श करते हुए, चरण का स्नान करते हुए और आकर के भगवान शिव के जटाओं में विराजमान होती हैं। भगवान शिव पूरी अपनी जटाओं को नहीं खोलते हैं, उसमें से कुछ जटा ही खोल करके पृथ्वी लोक की तरफ छोड़ देते हैं, जिसमें माँ भगवती गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर होता है। और इस पृथ्वी पर की एक कथा है, भागीरथ जी के पूर्वज थे राजा सगर, जो कि इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज थे। एक बार राजा सगर ने, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी दो पत्नियां थीं, एक पत्नी का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केशिनी। तो उन्होंने भगवान की तपस्या की तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान किसने? ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे, परंतु उनमें से दूसरी पत्नी के एक पुत्र होगा जो कि वो तुम्हारे कुल को यानी कि तुम्हारी परंपरा को बढ़ाएगा। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व छोड़ा गया था यानी कि जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे राजा इंद्र ने क्या किया, देवराज इंद्र ने चुरा करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जा करके बांध दिया। और जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि जरूर इस ऋषि ने ही ये किया है, इस अश्व को चुरा करके यहाँ बांध दिया है। उन्होंने कपिल जी की तपस्या को भंग किया और कपिल मुनि जैसे ही क्रोध से आंखें उन्होंने नेत्र अपने खोले हैं, वैसे ही उनके नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पे भस्म हो गए। तत्पश्चात उन्हीं की आत्म शांति हेतु, उन्हीं की मुक्ति हेतु भगीरथ जी ने, जो कि राजा इन्हीं के कुल से ही थे, तो भागीरथ जी ने माँ गंगा का अवतरण, माँ गंगा से प्रार्थना विनय याचना करते हुए इस पृथ्वी पर आज के ही दिन माँ गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी के पर्व के रूप में आज के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी को गंगा या किसी भी तीर्थ नदी में स्नान करना चाहिए। आज के दिन दान पुण्य इत्यादि करने से उसका 10 गुना फल होता है और आज के दिन हर वस्तु को 10-10 रूप में दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर्व है, आज के दिन विशेष रूप से सत्तू, जल से भरा हुआ घड़ा, जूते इत्यादि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। आज के दिन से स्नान दान करने से उसका कई गुना फल होता है। माँ गंगा सब पर कृपा करें। जय माँ गंगे, जय माता। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी किसी नई जानकारी के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।